स्किल दिखाएंगे, परीक्षार्थियों की टैलेंट ही दिखाएंगे, कुछ सेकंड कुछ मिनट के अंतराल में आपको दिखाएंगे। जी उत्तर प्रदेश पुलिस जो एग्जाम रहा है 62,224 करीब ये बच्चों का यहाँ चार दो पालियों में आज परीक्षा होना है। और कुछ लोग माहौल कैमरा मैन भैया दिखाइए माहौल कितना यहाँ का तितर और बितर दोनों है। अब जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, अब कुछ इंतजार वो भी खत्म हो जाएगा। परीक्षार्थी अपना टैलेंट ही किस प्रकार दिखाए होंगे अब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि परीक्षार्थियों के टैलेंट क्या है, कौन है इस अपने टैलेंट को दिखा करके पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना स्थान ले रहा है। भाई साहब ऐसे ही परिश्रम किए होंगे, ऐसे ही अपना टैलेंट ही दिखाए होंगे जो आज तैनात है और इस परीक्षार्थियों का भरपूर मदद कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है अपने मुस्तैदी को। भाई कैमरामैन दिखाइए तो भैया को इस तरह लोग चीटिया तक ना जा सकेला अंदर वहाँ। ऐसे आप भी जवान होंगे जो टैलेंटी को दिखाकर आपने मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। भैया इनका नाम भी बता देंगे, अभी देखे नहीं लेवल वहाँ इनका। और कैमरामैन भैया इधर दिखाई, आइए हम बात करते हैं। भैया आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? आप लोग कौन सा बच्चा? बच्चा मैंने बच्चा कम परीक्षार्थी है, परीक्षा देने वाले हैं, घूमने वाले बच्चे हैं, परीक्षार्थी का इंतजार कर रहे हैं, अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, बेटी हो या बेटा हो इस परीक्षा में भाग लिए हैं, बच्चा का आज टैलेंट दिखा रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं ऐसे कि लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मिलेगा। जब लोगों को हौसला बुलंद रहेगा तो मिलते नहीं होता होगा भाई, यहाँ शासन और व्यवस्थापन के द्वारा कुछ सुचारू रूप से काम होता होगा, यहाँ विलम्ब और विलम्ब नहीं होगा। कुछ घरों में कुछ पलों में लोग आना शुरू कर देंगे और अपने बच्चे को आप लोग उचित स्थान अपने अपने युवा को प्रस्थान कर देंगे। लगने पाए आप क्या कर रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं पैसा दिलवाने लड़के को ले जाए, वही तो पति हम पूछ रहे हैं। देखिए कुछ लोग खटक जाते हैं, भूल जाते हैं, जब मेरी पैसा कौन लेता है, पैसा तो लगभग नहीं करता है, कहीं आने जाने में आप खर्चा करते होंगे तो वो तो बात अलग है। भैया कैसे आप लोग हैं? मस्त है ना भैया, अपना मस्तानापन दिखाई दिए हैं, मस्त भी है, लोग खुश हैं। अब कुछ समय में लोग परीक्षार्थी आना शुरू कर देंगे, लोग अपने अपने परीक्षार्थी को अपने अपने बच्चों को लेके जाएंगे अपने अपने। आप कैसे बात लाली समझ आती है? मस्त है ना, परीक्षा में ले जाए बिल्कुल शांति से परीक्षा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बात और बता दें, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज ये पहले से ही माना जाना ये विद्यालय है, यहाँ किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं होता है, यहाँ जो भी होता है व्यवस्थित और व्यवस्था के यहाँ भी परीक्षार्थी बहुत परीक्षार्थी आते हैं, बहुत परीक्षाएं होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिलता है जो हकदर जैसा मच जाए और लोगों को ऐसा वैसा भी चले। नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज रतनपुरा जनपद मऊ में देखिए प्रशासन कैसे मुस्तैद है इस पुलिस परीक्षा को लेकर के। अब कुछ पलों में परीक्षार्थी अब
विद्यालय से निकलने लगेंगे, आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे और जो यहाँ का माहौल है परीक्षा को लेकर के ये भी आपको दृश्य दिखाने की कोशिश किए हैं और कर रहे हैं। ये रतनपुरा इस समय है, रतनपुरा ठीक नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज के गेट के सामने, यहाँ देखिए प्रशासन, ये लोग मुस्तैद हैं, ऐसे मुस्तैद हैं कि यहाँ चींटी तक अपने परीक्षार्थियों में उत्साह, अब किसका कितना टैलेंटी रहा है, परिणाम आने के बाद आप वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको। ये बच्चे हैं, बच्चों का टैलेंटी कैसा रहा है अभी परीक्षा? बढ़िया है, ठीक है भैया। अरे भैया 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 इधर आइए, कैसा रहा है परीक्षा भैया? सबसे बढ़िया रहा भैया। क्या नाम, नाम तो बताइए सर, अपना नाम तो बता दे। मेरा नाम सूरज है। हैं? सूरज। चलिए एक भाई साहब से बात हो जाए, किस चीज का परीक्षा रहा है? यूपी पुलिस का। कैसा रहा है परीक्षा? परीक्षा अच्छा था। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन आया था। अच्छा, आप लोग तैयारी के ही, जैसे आप लोगों का तैयारी था, ठीक था ही? हाँ, तैयारी एक अच्छी थी और पेपर भी उसी हिसाब से आया है, पेपर तैयारी के हिसाब से नॉर्मल ही था। अब इंडिया में बच्चों का स्वागत है।